हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम जीपी के क्वेश्चंस देखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में सम टू एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला देखा था जीपी का, एंड सम टू इन्फिनिटी के लिए आपको कैसे फॉर्मूला करना है। सो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 यहाँ पर है हमारे पास बुक का। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी, इस जीपी के लिए कितनी टर्म्स होंगी अगर हम उसे ऐड करेंगे, और आपको मिलेगा 39 + 13√3। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हम इन टर्म्स को कब तक ऐड करते रहेंगे कि आपको उनका एडिशन में जो सम मिलेगा वो इतना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है √3, एंड आपको कॉमन रेशियो इसमें हो जाएगा 3/√3 = √3। लेट करते हैं कि दिस बी द सम टू एन टर्म्स ऑफ द जीपी। सो हम इसको डिनोट कर रहे हैं एस एन के लिए, एस एन इक्वल्स टू दिस। अब हमारे पास फ्रेंड्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब आप कितनी टर्म्स इसमें ऐड कर रहे हैं, मतलब पोजीशन भी वो कौन सी पोजीशन होगी, कि 18वीं पोजीशन होगी या 19 पोजीशन होगी या 20 पोजीशन होगी या 4th या 5th, कि उन नंबर्स को ऐड करते करते उस पोजीशन तक के लिए आपको ये सम मिले। सो इसके लिए हमने इसको इसके इक्वल में रख लिया है। अब ए और आर को हम यहाँ पुट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको इक्वल में कर लिया है ताकि हमारी एन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकें। अब इसको इक्वल करने के बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको 13.3 मैंने इसको यहाँ लिखा है ताकि ये जो हमारे पास 13 के मल्टीपल में आ जाए, 13 के मल्टीपल में आ जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा अंदर वो हो जाएगा 13√। तो यहाँ पर अब हम इसमें से 9 + 13√3 में से 13 कॉमन लेना चाह रहे हैं। तो 13 कॉमन लेने के लिए हमारे पास अंदर रहेगा √3। हम यहाँ से 13√3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 13 है, यहाँ 13 के मल्टीपल में ये हो जाएगा। तो 3 के लिए हम √3 में दो बार इसको पार्ट कर लेंगे, तो √3 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। हमारे पास आया अंदर √3 + 1। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो ये वैल्यू है इसको राइट साइड लेकर जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में अप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा 3√3² और -1² तो हमारे पास ये हो गया 3 - 1। इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 2। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं √3 को लेफ्ट हैंड साइड ले गई। अब इसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इसको, ताकि हमारे पास ये इससे कैंसिल आउट हो सके। कैंसिल हो गया हमारे पास ये, एंड ये हो गया 26। -1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 27। 27 के लिए अभी हमारे पास इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये √3 है, √3 को हमें यहाँ पर n के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 27 3 के ही मल्टीपल में आता है, तो हमने इसको 3 के लिए 3 बारी अगर हम इसको पावर में लिख सकते हैं तो 3 × 3 × 3 हमारे पास 27 मिलता है। तो 3 की पावर में 3 तो वो हमको 27 देता है। एंड अब हमें इसको इसके इक्वल करना है ताकि √3 √3 कैंसिल आउट हो जाए एंड हमारे पास n के लिए वैल्यू हमें मिल जाए। तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3, मतलब √3 की पावर 2, जो कि आपको 3 देगा। सो √3 की पावर 2 को इंटू करेंगे 3 के साथ तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया। इसका मतलब है कि √3 के 6 times मल्टीप्लाई करेंगे √3 को तो आपको 3 मिलेगा, 3 raised to the power 3 मिलेगा। अब फ्रेंड्स, हमारे पास ये दोनों सॉल्व हो गया है, √3 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास n की वैल्यू आई 6। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 टर्म्स ऑफ दिस जीपी, मतलब इस जीपी के लिए 6 टर्म्स आपको सम देंगी 39 + 13√3। अब फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर इसका एग्जाम्पल नंबर 20 है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। आपको यहाँ पर एक सीरीज गिवन है, इसके लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब आपको इसने बताया नहीं है कि ये जीपी है या ये एपी है। तो इसके लिए पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जीपी है या नहीं। तो जीपी के लिए जो आपके पास रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के बीच में रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें इससे मिला कि ये जीपी नहीं है, दस सीरीज इज नॉट इन जीपी। सो अगर हम इसको एपी के लिए देखें तो एपी 99 - 9 तो आपको मिलेगा 90।
सो 999 तो आपको मिलेगा 900, तो ये भी आपका एपी में नहीं है। तो सबसे पहले अब आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ना ही ये एपी में है ना ही ये जीपी में है और आपको सम फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स ये केस आपको ऐसे केसेस के क्वेश्चंस आपको 3-4 और मिलेंगे आपकी बुक में। सो इन क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस सीरीज के लिए जो 999 एंड 999 करके जो सीरीज आपकी चलती जा रही है इसको आपने कुछ इस तरीके से लिखना है जो कि आपको एपी में मिले या जीपी में मिले। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ये सेम टू सेम एक नंबर है। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, 10-1 करके लिख लीजिए एंड ये 100-1 होगा एंड 1000-1। सो इसको हम ले सकते हैं 10^1-1, 10^2-1, 10^3-1। तो ऐसे ये सीक्वेंस आपकी डिराइव हो रही है जिसको आगे होगा 10^4-1, 10^5-1 एंड उनको आप माइनस कर लेंगे तो आपको ये नंबर मिलता जा रहा है जो कि एक सीरीज जो आपको गिवन है। तो इस सीरीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि हो गया पहला नंबर 9 के लिए 10-1, 99 के लिए 10^2-1, 999 के लिए 10^3-1। तो ऐसे ही सीक्वेंस आपकी कहाँ तक जाएगी, 10^n-1 तक। तो आपको इसके लिए एक लास्ट टर्म भी मिल गई है। स्टार्ट करते हैं सीरीज के लिए आपको सम फाइंड आउट करना है तो एस से डिनोट कर लेंगे हम इसको, ये हमारे पास सीरीज है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपके पास सीक्वेंस आपको मिल रही है 10^2, 10^3, 10^4 एंड 10^n एंड सो ऑन, तो इसको हम एक अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हमने अलग करके लिख लिया एंड जो 111 जो कि एक नंबर है वो आपका एंड टाइम तक आपको मिलता रहेगा। सो इसके लिए हम -1 है ये -1, तो ये नंबर जितने भी 1 होंगे इनको हमने n के लिए लिख लिया, मतलब एक वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमने इसको अभी n की फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो ये सीक्वेंस आपको मिली है ये एक जीपी में है। 10^2 को आप डिवाइड करेंगे 10 से तो आपको मिलेगा 10, 10^3 को डिवाइड करेंगे 10^2 से तो आपको मिलेगा 10। तो ये आपकी एक जीपी की फॉर्म हो गई, मतलब कॉमन जो आपका रेशियो है वो 10 है। सो इसलिए हमने इसको एस एन के फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट कर लिया है, ए 10^(n-1) 10-1, तो इसके लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया एंड माइनस में 1। सो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास इस तरीके से एस एन मिला। अब इस एस एन के लिए आपके पास फॉर्म जो होगी वो एन में ही होगी क्योंकि ये आपके पास चलता ही जा रहा है एंड आपको कोई पोजीशन तक अगर ये पूछता है कि सम क्या होगा तो उस पोजीशन को आप यहाँ पुट कर देंगे एन के जगह पे इन दोनों के लिए, तो आपके पास सम आ जाएगा उस सीरीज का। तो ऐसे आपने इस तरीके का क्वेश्चन करना है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।